नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। चीन में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। चीन में कोरोना के प्रहार से दुनिया सहम गई है। यहां तक कि जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और अमेरिका में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में एक बार फिर से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। कोरोना से बिगड़े हालातों ने भारत को भी चिंता में डाल दिया है। हालांकि भारत में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है, ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को डरने की जरूरत नहीं बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। भारत में कोरोना के रोजाना लगभग 100 मामले दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने एहतियाती इंतजाम भी शुरू कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को देश में कोरोना के हालात को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों से कहा कि ये खतरा अभी टला नहीं है। मैंने सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने और निगरानी मजबूत करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी स्थिति का प्रबंधन करने के लिए तैयार हैं। साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि भारतीय सार्स CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के माध्यम से वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए पॉजिटिव केस सैंपल के जीनोम सीक्वेंसिंग को तेज करने की जरूरत है। इसे वेरिएंट का समय पर पता लगाया जा सकेगा और साथ ही साथ इसे ट्रैक भी किया जा सकेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने खासतौर से त्योहारों में तैयार और सतर्क रहने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है बल्कि इसको लेकर हमें सतर्क रहने की जरूरत है। इस खबर पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।